हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडिया इन हिंदी पर। और आज हम बात करेंगे एक परमाणु मिसाइल को लेकर चीन के दावे के बारे में। दोस्तों, अगर आप रोज न्यूज देखने वालों में से हैं, तो आपको मालूम ही होगा कि यूएस ने हाल ही में पलाओ आइलैंड पर एक मिसाइल टेस्टिंग की थी। यदि आप इस न्यूज से फैमिलियर नहीं हैं, तो रुकिए, हम आपको बताते हैं। दरअसल पलाओ पैसिफिक ओशन में एक छोटा सा आइलैंड, जिसके पास खुद की कोई मिलिट्री नहीं है, वो अपने आप को अटैकर से बचाने के लिए यूएस की पैरामिलिट्री फोर्सेस पर निर्भर है। इसी वजह से यूएस अपने मिसाइल्स को पलाओ में टेस्ट कर पाया है। पर इस टेस्टिंग से एक चीज जाहिर हो गई है, यूएस का दबदबा अब इंडो पैसिफिक रीजन में भी महसूस होगा। चीन को यही तो नहीं चाहिए। चीन वो देश है जिसके 19 देशों से बॉर्डर कंट्रोल को लेकर झगड़े चल रहे हैं। चीन वो देश है जो ग्लोबल मार्केट में दबदबा बना के रखना चाहता है। फिर चीन क्यों चाहेगा कि एक सुपर पावर उसके इलाके में अपनी ताकत का प्रदर्शन करे? शायद इसीलिए ही जब चीन के सक्सेसफुल मिड रेंज लैंड बेस्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग 19 जून की रात को हुई, तो सबका मानना था कि ये यूएस के 15 जून की पलाओ आइलैंड पर की गई मिसाइल टेस्टिंग को जवाब देने के लिए किया गया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जल्दी से कमेंट्स में टाइप करें अगर आपको लगता है कि चीन ने इस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स का आविष्कार यूएसए के बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए किया है। चीन के बयान के अनुसार उसकी लैंड बेस्ड टेस्ट ने अपने एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया है। चीन का दावा है कि ये हथियार किसी एक देश को टारगेट करने के लिए नहीं, पर डिफेंस पर्पजेस से तैयार किया गया है। आखिरकार एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स किसी भी देश के प्रोजेक्टाइल्स को ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर इस टेस्टिंग से दुनिया के इस हिस्से में टेंशन्स बढ़ गई है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर टेस्ट साइट पर कुछ एक्टिविटी देखने को मिली है, जिसके कारण दुनिया के तमाम देशों को शक है कि नॉर्थ कोरिया कोई बड़ा धमाल करने जा रहा है। इसके जवाब में साउथ कोरिया ने यूएस के साथ एक अलायंस बनाने का फैसला लिया और यूएस द्वारा बनाया गया थार्ड सिस्टम, यानी कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस को तैनात करने का फैसला लिया है। इस सब से चीन परेशान है, क्योंकि उसका मानना है कि इससे चीनी सिक्योरिटी पर नेगेटिव असर पड़ेगा। आखिरकार थार्ड को छोटी, मीडियम और इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे अगर चीन कभी भी किसी भी देश को अटैक करने की कोशिश करेगा, तो उसके मिसाइल को मार गिराना ज्यादा आसान होगा। लेकिन कैसे? बात ये है कि किसी भी मिसाइल को मार गिराने के लिए बेस्ट टाइम उसका बूस्ट स्टेज है, जब वो धरती के नजदीक होता है। इस स्टेज में मिसाइल सिर्फ एक्सेलरेट करता है ताकि वो पृथ्वी के ऑर्बिट को एंटर कर सके। इस पूरी प्रक्रिया को खत्म होने में 1 मिनट तक नहीं लगता है। इस सबसे एक बात तो जाहिर हो जाती है, यूएस और चीन के बीच आने वाले भविष्य में कुछ तो पकने जा रहा है। आशा है कि अब ये देश World War III नहीं शुरू करेंगे। इस बारे में आपकी राय हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिए और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।